यह कहानी 24 दिसंबर 1999 की है, जब इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC 814, जो नेपाल की राजधानी काठमांडू से दिल्ली के लिए उड़ान भर रही थी, आतंकवादियों द्वारा अगवा कर ली गई। यह एक सामान्य उड़ान मानी जा रही थी, जिसमें कुल 169 यात्री और 11 क्रू सदस्य सवार थे। उड़ान को दोपहर के लगभग 4:53 पर भारतीय हवाई क्षेत्र में प्रवेश करना था, लेकिन इस वक्त तक किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यह दिन भारतीय इतिहास में एक भयानक और अविस्मरणीय दिन बन जाएगा। कुछ ही समय बाद विमान में सवार 5 आतंकवादी, जो AK-77 और ग्रेनेड से लैस थे, कॉकपिट पर कब्जा कर लेते हैं और विमान के सभी यात्रियों को बंधक बना लेते हैं। ये आतंकवादी हरकत उल मुजाहिदीन से जुड़े हुए थे, एक कुख्यात आतंकवादी संगठन जो कश्मीर में आतंकवाद फैलाने के लिए जाना जाता था। आतंकियों की योजना स्पष्ट थी, वे भारत में बंद अपने 3 प्रमुख नेताओं मसूद अजहर, अहमद उमर सईद शेख और मुश्ताक अहमद जरगर की रिहाई चाहते थे। आतंकियों ने अपनी मांग साफ कर दी, अगर उनकी मांग पूरी नहीं की गई तो वे यात्रियों की जान ले लेंगे। विमान को सबसे पहले अमृतसर हवाई अड्डे पर उतारने का प्रयास किया गया, जहां भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के पास इसे रोकने का एक बड़ा मौका था, लेकिन दुर्भाग्य से विमान को रोकने के प्रयासों में देरी हो गई। अमृतसर हवाई अड्डे पर, जहां विमान को रोका जा सकता था, अधिकारियों के बीच समन्वय की कमी और निर्णय लेने में देरी के कारण विमान को उड़ने दिया गया। यह एक बड़ा अवसर था जो भारत के हाथ से निकल गया। लाहौर में अगला पड़ाव, इसके बाद विमान को पाकिस्तान के लाहौर ले जाया गया। हालांकि पाकिस्तान ने विमान को कुछ समय के लिए लाहौर हवाई अड्डे पर उतरने की अनुमति दी, लेकिन पाकिस्तान सरकार ने आतंकवादियों को कोई सीधी मदद नहीं दी। यहां पर विमान में कुछ ईंधन भरा गया ताकि वह आगे की उड़ान भर सके। कंधार में विमान का आखिरी पड़ाव, लाहौर से उड़ान भरने के बाद विमान को अफगानिस्तान के कंधार ले जाया गया। उस समय कंधार तालिबान के नियंत्रण में था। तालिबान ने विमान को उतरने की अनुमति दी, लेकिन वे सीधे तौर पर किसी भी तरह की मध्यस्थता या सहायता करने से बचते रहे। कंधार में विमान के उतरने के बाद आतंकवादियों ने अपनी मांगे और भी स्पष्ट रूप से रखी। उनका कहना था कि अगर भारत ने उनके 3 साथियों को रिहा नहीं किया तो वे सभी यात्रियों की जान ले लेंगे। इच्छा दीदी की है। भारत सरकार के सामने चुनौती। इस समय भारत के सामने एक गंभीर संकट खड़ा था। एक तरफ 169 यात्रियों की जान का सवाल था, दूसरी तरफ राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ देश की सख्ती। इस परिस्थिति में भारत ने कूटनीतिक तरीकों से समस्या को हल करने की कोशिश की। भारतीय कूटनीतिज्ञ, जिनमें प्रमुख नाम विवेक काटजू का था, को कंधार भेजा गया, जहां उन्होंने तालिबान और आतंकवादियों से बातचीत की। बातचीत के दौरान समय समय पर तनाव की स्थिति बनी रही, क्योंकि आतंकवादी समय सीमा तय करते रहे और भारतीय पक्ष पर दबाव बढ़ाते रहे। कई दिनों की बातचीत और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद भारतीय सरकार को अंततः यात्रियों की जान बचाने के लिए आतंकवादियों की मांगों को मानना पड़ा। आतंकियों की रिहाई और यात्रियों की वापसी। 31 दिसंबर 1999 को भारत ने 3 खतरनाक आतंकवादियों मसूद अजहर, अहमद उमर सईद शेख और मुश्ताक अहमद जरगर को रिहा कर दिया। इसके बदले में आतंकवादियों ने सभी बंधक यात्रियों को छोड़ दिया। विमान में सवार सभी 169 यात्री सुरक्षित भारत लौट आए, लेकिन इस घटना ने भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। घटना के बाद की स्थिति। इस घटना ने भारत की सुरक्षा नीतियों और हवाई अड्डों की सुरक्षा को लेकर बड़े सुधार किए। इसके बाद से हवाई अड्डों पर सुरक्षा को सख्त कर दिया गया और देश की खुफिया एजेंसियों को भी अधिक सतर्क और सक्षम बनाया गया। लेकिन आज भी यह सवाल उठता है कि क्या आतंकवादियों को छोड़ना सही था? क्या यह फैसला भविष्य में और भी बड़े खतरों का कारण बना? मसूद अजहर, जिसे रिहा किया गया था, बाद में जैश ए मोहम्मद नामक आतंकवादी संगठन का नेतृत्व करता रहा और भारत पर कई बड़े आतंकवादी हमलों में शामिल रहा, जिनमें 2001 में भारतीय संसद पर हमला और 2019 में पुलवामा हमला प्रमुख हैं। निष्कर्ष। IC 814 की यह घटना केवल एक आतंकवादी घटना नहीं थी, यह भारत की सुरक्षा, कूटनीति और नैतिकता के संघर्ष की कहानी है। यह घटना हमें यह सिखाती है कि आतंकवाद के सामने झुकने का क्या असर हो सकता है और राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में सख्त और संगठित रणनीतियों की कितनी आवश्यकता है।